डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो हम आगे का हमारा जो है टॉपिक ग्रेगर जॉन मेंडल 1822-1884 में जो है, यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है पी प्लांट को लिया, जो मटर का पौधा होता है पी प्लांट, उसको उन्होंने लिया। एक्चुअल में जो पी प्लांट उन्होंने जो पी प्लांट उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया था, तो उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया क्योंकि पी प्लांट में जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, विलक्षण जिसको अपन बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में पी प्लांट को सिलेक्ट करने का एक ही कारण था कि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और कुछ और भी कारण थे वैसे तो मेन, लेकिन मेन जो रीजन था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो उसमें कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं देख लीजिए। कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पीस, राउंड एंड रिंकल सीड्स। उसके सीड्स जो हैं वो राउंड भी मिल जाएंगे, रिंकल्ड भी मिल जाएंगे। टॉल और शॉर्ट प्लांट, उसके जो है लंबे और छोटे पौधे मिल जाएंगे। व्हाइट एंड वॉयलेट फ्लावर, यानी कि व्हाइट भी मिल जाएंगे, वॉयलेट फ्लावर भी उसके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद भी और भी कैरेक्टर हैं इसमें, जैसे कि जो है एक्सिस, जो फ्लावर लगने का जो लोकेशन है वो यहाँ पर मेंशन है भी होगा इसमें। तो ऐसे सेवन जो है यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसके दिखेंगे। इसीलिए जो है इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए जो है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसी पी प्लांट को सिलेक्ट किया। दूसरी चीज ये कि इसका जो मतलब लाइफ स्पेन है, यानी कि इसका जो लाइफ है मटर के पौधे का यानी पी प्लांट का, वो छोटा होता है, यानी कि शॉर्ट टाइम वाला जिसको अपन बोल सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर होगा तो ज्यादा जनरेशन में स्टडी करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो किसी का लाइफ 10 साल होगा, यानी कि किसी प्लांट का अगर 10 साल है, तो 10 साल नेक्स्ट जनरेशन के लिए 10 साल उसको देखना पड़ेगा ना, 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी का लाइफ स्पेन अगर 2 महीने का है, तो 2 महीने यानी 1 साल में उसकी कितनी जनरेशन के बारे में स्टडी की जा सकती है, आगे समझ में। इसलिए जो है मटर के जो पी प्लांट है उसका जो है शॉर्ट यहाँ पर लाइफ भी था, तो इसलिए भी इसको सिलेक्ट किया गया। तो ये सारी चीजें हैं इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए मेंडल ने अपने जो है प्रयोग में किसको लिया, पी प्लांट को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ये हमने यहाँ पर देख भी लिया है। देखिए इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम से अपन इसको समझेंगे, पूरे इसको आसानी से आपको समझ में आएगा। उन्होंने यहाँ पर मैंने आपको समझाया था अभी कि जो ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टर होते हैं वो एक होते हैं, ठीक है ना। जो ट्रेट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, टी टी इस तरह से पेयर में आपको ट्रेट्स दिख रहे हैं। टी टी यानी टॉल, और यहाँ पर यानी कैपिटल के कैपिटल टी टॉल है, और स्मॉल टी शॉर्ट है, ठीक है ना, ड्वार्फ जिसको अपन बोलते हैं। तो ये टॉल यानी कि लंबा पौधा है, और ये कैसा है, ये शॉर्ट पौधा है। तो भाई टॉल के जो ट्रेट्स हैं, जो टी कैपिटल टी है, ठीक है ना, एलिल जिसको अपन बोल रहे हैं, और जो शॉर्ट है उसके क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है ना। मतलब शॉर्ट वाले यानी छोटे पौधे के टी है, स्मॉल टी, और लंबे पौधे के कैपिटल टी, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें दो चीजें और आपको पढ़ना है। एक होता है आपका जो है डोमिनेंट कैरेक्टर, और एक और होता है रेसेसिव डोमिनेंट ट्रेड्स भी इसको बोल सकते हैं, डोमिनेंट ट्रेड और जो है रेसेसिव ट्रेड्स। तो डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होते हैं भाई, बिल्कुल आसान है, दो लाइन में समझ जाओगे, ध्यान से सुनना। देखिए डोमिनेंट ट्रेड वो होते हैं जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी कि दिखा सकते हैं। डोमिनेंट ट्रेड, फिर से बोल रहा हूँ, डोमिनेंट ट्रेड ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ट्रेड यानी कैरेक्टर ही हो रहा है ना, तो भैया ऐसे कैरेक्टर या ऐसे ट्रेड जो अपना जो अपने कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस यानी भाई दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको अपने को दिखते हैं तो उनको हम बोलेंगे डोमिनेंट, और जो अपने दिखा नहीं सकते, जो अपने कैरेक्टर को दिखा नहीं सकते लेकिन डोमिनेंट की अब्सेंट में, सुनना इसको ध्यान से, लेकिन डोमिनेंट की अब्सेंट में अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। डोमिनेंट अगर नहीं होगा, यानी ट्रेड अगर डोमिनेंट है ही नहीं, तो फिर क्या शो होगा आपका, रेसेसिव भी शो होगा। लेकिन अगर डोमिनेंट है तो फिर डोमिनेंट ही अपने कैरेक्टर को शो कर पाएगा। यानी डोमिनेंट क्या होते हैं, जो अपने कैरेक्टर को शो कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, लेकिन रेसेसिव होते हैं जो अपने कैरेक्टर को दिखा नहीं पाते
जो कि दब जाते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो वो यहां पर कैरेक्टर होते हैं जिनको हम रिसेसिव बोलते हैं। तो डोमिनेंट रिसेसिव, तो डोमिनेंट ये है टॉल वाला, और जो रिसेसिव है वो क्या है, शॉर्ट वाला, ठीक है। जब हमने इनको दोनों को यहाँ पर क्रॉस लीड लगाया, नहीं क्रॉस करवाया दोनों को, इनको मिलाया दोनों को, तो हमको क्या मिला, हमको एफ वन जो है यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है एरो से बताया, दोनों को मिलाया, इससे ये प्लांट मिले अपने को, तो सारे के सारे ऑल टॉल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग मिले आपको, ठीक है ना। ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग यानी कि सारे के सारे लंबे पौधे मिले, यानी सारे के सारे लंबे पौधे मतलब भाई डोमिनेंट मिले सारे के सारे, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं जो टी है वो अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है सब में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और इसने अपने को दबा लिया तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिसेसिव। तो डोमिनेंट रिसेसिव क्लियर हो गया। तो हमको ये मिला सबसे पहले एफ वन जनरेशन में, फिर क्या हुआ देखिए आप, यहां पर इन दोनों के हमने सेल्फ करवा दी। सेल्फ मतलब भाई इनसे हमको क्या मिला था, एफ वन में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें हमको क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी डोमिनेंट थे सारे के सारे लंबे। हमने फिर क्या किया कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी दोनों के दोनों टॉल है, डोमिनेंट है, ठीक है ना। दोनों को क्या करवा दिया, इनकी जो है क्रॉस करवा दी, यहां पर क्रॉस करवा दी। तो एफ टू जनरेशन में क्या मिला हमको, भाई एफ टू जनरेशन में हमको मिला कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस अपने को दिखा। नहीं यहाँ पर सारे डोमिनेंट मिले थे, सारे लंबे पौधे मिले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमने इन दोनों का यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दोनों टॉल है लेकिन दोनों का जो ट्रेड है वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को क्रॉस करवाया, जिससे हमने को एफ टू में क्या मिला, टॉल मिला कैपिटल टी, फिर हमने को टॉल मिला यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद भी टॉल मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन टी टी जो स्मॉल टी वो टॉल होगा, सॉरी वो डॉफ होगा, शॉर्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बोला था कि जब डोमिनेंट अब्सेंट होगा, डोमिनेंट है क्या इसमें, नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा, ये बिल्कुल शॉर्ट होगा, यानी कि ये छोटा होगा, ड्वार्फ मिलेगा आज। अब इसका फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा, अब ये फिनोटाइप क्या होता है जीनोटाइप क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। फिनोटाइप मतलब भाई आसान, मतलब मैं बिल्कुल आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान से। इसमें आपको कितने टॉल पौधे, लंबे पौधे कितने दिख रहे हैं, छोटे पौधे कितने दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर हमको तीन इसमें लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं, एक ये लंबा, दूसरा तीसरा, ठीक है ना। मतलब तीन पौधे आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं और एक छोटा, ठीक है ना। तो 3:1 यानी तीन जो है 3:1 का जो रेशियो आपको मिल रहा है किसका, भाई ये है फिनोटाइप। ध्यान रखना फिनोटाइप मतलब इसका जो लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर दिख रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल यानी बाहरी जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ना, तीन तो लंबे हैं और एक छोटा है, तो 3:1 इसका फिनोटाइप है। इसका जो है फिनोटाइप क्या होगा, 3:1 यानी 3 तो कौन से हैं, लंबे, और एक कौन सा है, छोटा। इसी तरह से अगर मैंने आपको इससे पूछ लिया कि इसका जो है जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, नहीं फिनोटाइप तो आपको क्लियर हो गया कि भाई देख के बता दो लंबे कितने और छोटे कितने, क्लियर हो गया। लेकिन अब मैंने पूछा आपसे जीनोटाइप क्या होगा, तो भाई जीनोटाइप इनके ये देख लो ना ट्रेट्स, तो टी टी और है क्या, नहीं है, फिर आपका क्या मिल रहा है आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एक है, ठीक है। यानी कि वन, यानी कैपिटल टी वन है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, वन कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, दो, तो वन के बाद क्या लिखूंगा, टू, और फिर क्या लिखूंगा, स्मॉल टी कितना है, वन, तो इसको क्या लिखूंगा, वन। यानी कि टोटल अगर रेशियो में देखूं तो 1:1, समझ में आया, 1:1, 1:2 मतलब, 1 मतलब कैपिटल टी, 2 मतलब ये दोनों, और 1 मतलब ये अकेला, यानी कि जो जीनोटाइप रेशियो है वो 1:1, यानी कि 1 आपका कैपिटल टी, 2 मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 अकेला जो आपका स्मॉल टी, इस तरह से 1:1 इसका क्या है, जीनोटाइप रेशियो है, ठीक है। और इसी को अपन यहां पर ये जो है आपका पहला जो मोनोहाइब्रिड है, यहां पर मोनोहाइब्रिड मोनो किया था, यानी क्योंकि यहां पर एक ही कैरेक्टर को लिया है, ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड यानी एक कैरेक्टर को यहां पर लिया है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड यानी एक कैरेक्टर को अगर लिया है, एक कैरेक्टर लिया ना यहां पर अपने, टॉल शॉर्ट वाला यानी कि लंबाई लेंथ वाला ले लिया इसमें, तो ये एक ही कैरेक्टर से हमने क्रॉस करवा के देखा इसको,
तो इसलिए इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो यानी कि अगले वीडियो में देखेंगे।